आश्वासन साल बीत गया सर, आश्वासन से तो सर उम्र बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ा अपराध है कि एसटीईटी 2019 में जो निकला वैकेंसी उसमें हम लोग भरे और क्वालिफाई हो गए, यही सबसे बड़ा अपराध। कि मंत्री से लेकर के अधिकारी तक सब पिछला दरवाजा का रास्ता क्यों अपना लेता है। लेकिन ये जनता दरबार खाली नाम का है, कोई काम का नहीं है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। ये मुख्यमंत्री आवास है, एक अन्य मार्ग है। सामने आप देखिएगा तो राजभवन है और उसके ठीक बगल में इधर जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है। जनता दरबार अभी ख़त्म हो गया है, जनता दरबार लगा हुआ था, सोमवार है। और ऐसे में एसटीईटी अभ्यर्थी अब जो हैं वो पहुँच गए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर। इन्हें यहाँ से साइड करा दिया गया है, हालांकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है। अचानक ये मिलने आए थे, इन्हें मिलने नहीं दिया गया क्योंकि अब जनता दरबार भी ख़त्म हो गया है। यहीं बगल में देश रत्न मार्ग है, यहाँ जनता दरबार लगता है। जनता की परेशानियों को मुख्यमंत्री सुनते हैं, फरियादियों की परेशानियों को सुनते हैं। एसटीईटी अभ्यर्थी अभी बीएससीबी कार्यालय के बाहर थे और अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये खड़े हैं, महिला अभ्यर्थी हैं। सबसे पहले शशांक जी आपको नमस्कार, अरे दिल्ली से धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे पूरे स्टेट अभ्यर्थी के तरफ से आप हमारी आवाज़ को शुरू दिन से उठाते आ रहे हैं। थैंक यू। अभी आप लोग बीएससीबी कार्यालय के बाहर खड़ी थी, बैठी हुई थी, हंगामा हुआ, पुलिस आया, वहाँ से हटाया भी गया, अंदर बुलाया भी गया था। क्या हुआ अंदर जो अब आप लोग मानने को तैयार नहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर चले आए? मुख्यमंत्री अभी है। हाँ, हम लोग को सर वहाँ बोला गया कि आनंद किशोर जी अभी नहीं आ रहे, उनके पास बहुत सारा पदभार मिला हुआ है, लेकिन ये तो उनको आने में गया कि आनंद किशोर जी अंदर है। हाँ, वहाँ से हम लोग को भेजा गया जनता दरबार में। हम लोग तो यहाँ आए कि जनता दरबार में के बाहर वो जब निकलेंगे तो हम लोग वहाँ उनसे बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे मांग। हाँ, तो कहा जा रहा है अंदर से कि वो जनता दरबार ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जनता दरबार अगर ख़त्म नहीं हुआ तो ये सड़क ब्लॉक रहता है, ये सड़क ब्लॉक कर दिया जाता है, वहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है और जनता दरबार जब तक चलता है ये बैरियर हट गया, यानी जनता दरबार खत्म हो गया है। तो जनता दरबार तो और दिन 4 बजे तक होता था, इस बार फर्स्ट टाइम है, जो पता नहीं रीजन क्या होगा जो जल्दी ही खत्म हो गया, ये हम लोग को नहीं मालूम था, उसकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन हमारी अंतिम कोशिश यही अंतिम तक होगी कि आज हम लोग आनंद किशोर जी से मिल के ही जाए सर। आज मिल के जाएंगे जी, बिना मिले नहीं जाएंगे। नहीं, कोशिश मेरी यही होगी सर, नहीं बिना मिले नहीं। आप लोगों ने एक बैनर लिया था, आश्वासन नहीं अब लिखित चाहिए। हाँ सर, लिखित के लिए ही अंदर गए थे, लेकिन उन लोग का कहना है कि हम आश्वासन साल बीत गया सर, आश्वासन से तो सर उम्र बढ़ते जा रहा है, घट थोड़े रहे, हम जवान थोड़े हो रहे हैं सर, हमारी उम्र तो बढ़ते जा रही है ना, हमारे साथ साथ सभी की उम्र बढ़ रही है सर। ये सर स्कूल खाली है, टीचर है नहीं और हम लोग सड़कों पे हैं। दुखद बात तो ये है सर, सबसे पहले हम टीचर हो या ना हो ये बाद की बात है सर, हमारा इनर सोल क्या कहता है, हमारा ह्यूमन क्या कहता है सर, हम मानव है, ये मानवता है। अभी आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर आए हैं, यहीं से 10 कदम की दूरी पर शिक्षा मंत्री का आवास है, जाएंगे कि नहीं? कोशिश होगी सर, कोशिश होगी सर, कोशिश रहेगी। हाँ सर, कोशिश रहेगी। हाँ, और क्या लगता है कि जाने के बाद शिक्षा मंत्री मिलेंगे या पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे हर बार की तरह? सर वही तो दिख नहीं रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आता है कि मंत्री से लेकर के अधिकारी तक सब पिछला दरवाजा का रास्ता क्यों अपना लेता है। इस बात से समझने कि हम लोग क्या आखिर किए हैं, कोई इलीगल कदम नहीं उठा रहे हैं सर, हम लोग कुछ भी डैमेज नहीं करे, क्योंकि उनकी संपत्ति नहीं है, हमारी भी संपत्ति है, वो भी बिहार है, हम भी बिहार हैं, हम सब में बिहार हैं, तब ये बिहार बना हुआ है, हम लोग बिहारी हैं सर, तो आखिर वो किस बात के लिए कन्नी काटते हैं सर? शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपराध किए हैं क्या कोई, कि कोई मंत्री या कोई अधिकारी मिलना नहीं चाहता आप लोग? सबसे बड़ा अपराध है कि एसटीईटी 2019 में जो निकला वैकेंसी उसमें हम लोग भरे और क्वालिफाई हो गए, यही सबसे बड़ा अपराध है ना। हाँ, अगर अपराध नहीं किए होते तो आज सड़कों पर नहीं आते और कोई भी मंत्री साहब मिलने से इनकार नहीं करते। सर सबसे बड़ा अपराध तो हम बोलेंगे कि हम बिहार में जन्म ले लिए सर, वही अपराध है मेरे लिए। बिहार में क्या बोले कि डेट मीन्स कि सिस्टम इतना करप्ट हो गया भाई, मतलब डेट मीन्स कि भाई 3 साल से हम लोग मेंटली परेशान। ये जो आपको लग रहा है ना, ये मुझे लगता है कि बिहार के नेताओं की वजह से लग रहा है ना। अगर बिहार के नेता अच्छे होते तो गर्व महसूस होता। सिर्फ नेता ही नहीं सर, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। लेकिन एक्चुअली है क्या कि सर एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी, ये सब जो बॉडी होती है वो कंट्रोल होती है पॉलिटिशियन के माध्यम से। यदि एग्जीक्यूटिव बॉडी भी जेन्यून है या फिर ईमानदार है, या फिर जुडिशरी बॉडी जेन्यून है या ईमानदार है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं उसमें डेट मीन्स की इंटरसेप्शन या फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं पॉलिटिशियंस।
और पॉलिटिशियंस के कारण आज सर देख लीजिए यहाँ पे मैं अभी जस्ट पहली बार आया हूँ और रोड देख रहा हूँ कि यहाँ का रोड एकदम डेट मीन्स की पूरा एकदम क्लियर है, ठीक है। और वही अपने ही गाँव में या फिर अपने मोहल्ले में जाता हूँ सर तो देखता हूँ कि रोड का एकदम बुरा स्थिति है। तो भाई जनता जनता से आप बनते हैं ना भैया, पॉलिटिशियंस जो बनते हैं जनता से बनते हैं, और खासकर एसटीटी के रिगार्डिंग सर बताइए, हम लोग वहाँ से कैसे कैसे जिनके पास बाइक नहीं था या फिर जिनके पास कोई भी डेट मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी वो लोग पैदल आए हैं अभी, और हम लोग का मेन मुद्दा वही चाहते हैं कि सर नीतीश कुमार से हम लोग की बातें पहुँचे कि एसटीटी के रिगार्डिंग जो भी है या फिर या तो आप जो भी क्वालिफाइड हैं उसकी सीटों को बढ़ा के सबकी नियुक्ति पक्की कीजिए, क्योंकि सब टैलेंटेड है भाई। आप कम्युनिकेशन वन टू वन इंटरेक्शन किए होंगे लेकिन देखेंगे तो वे ऑफ टॉकिंग उनका बहुत अच्छा है और उनके पास विजन है कि हम कैसे बिहार को डेवलप करें, पढ़ा के अच्छी शिक्षा देकर हम कैसे डेवलप करें। सर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन बच्चों ने पढ़ाई की, एसटीटी 2019 का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाइड हुए और उसके बाद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रयोग करिए, देखिए किस तरह से पुलिस इन्हें यहाँ से भगा रही है। स्टेट अभ्यर्थी यहाँ पर हैं और ये भी जिद पे अड़े हैं कि हम जो है मुख्यमंत्री से मिल के जाएंगे, आश्वासन से अब थक गए हैं, अब हमें लिखित चाहिए। देखिए पुलिस के हाथों में डंडा है और सामने स्टेट अभ्यर्थी हैं, बस अब पुलिस कह रही है कि आप लोग यहाँ से खाली करिए। देखिए ये पुलिस बल आ गई है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये वीआईपी एरिया है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं है, और इसलिए ये देखिए हटाया जा रहा है, पुलिस इन्हें यहाँ से हटा रही है। और देखिए ये तस्वीर देखिए किस तरह से पुलिस इन्हें यहाँ से हटा रही है, और स्टेट अभ्यर्थी देखिए वहाँ से पुलिस भी ये कह रही है कि मजाक बना दिया है, इन्हें मारना शुरू करिए। अब ये स्टेट अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांग अभी पूरी नहीं की जा रही है, और ऐसे में ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हुए थे और इन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है। देखिए पुलिस बल मौजूद है मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, आमतौर पर ये कहा जाता है कि वहाँ पर भीड़ लगाना सही नहीं हो, लेकिन ये भीड़ लगा रहे थे और इन्हें यहाँ से जनता दरबार के बाहर आप लोग आए थे, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आए थे, पुलिस के द्वारा आप लोगों को हटा दिया गया। देख ही रहे हैं जनता दरबार में हम लोग आस लेकर के आए थे, हम लोग अपॉइंटमेंट भी पिछला बार लगवाए थे, वहाँ से भी भगा दिया गया। तो सर हम लोग को जनता दरबार आप लगाते हैं किस लिए, जब स्टूडेंट अभ्यर्थियों को जब यहाँ पे आप कल्याण नहीं कर देते हैं तो जनता दरबार वैसा किस काम का, जिसमें खदेड़ खदेड़ के देख ही रहे हैं अभ्यर्थियों को खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा है, देख रहे हैं कैसे तो सर अब जनता दरबार आपका कोई काम का नहीं है। निकम्मी सरकार जानबूझ के सिर्फ जनता दरबार का ढोंग रचाती है, लेकिन ये जनता दरबार खाली नाम का है, कोई काम का नहीं है। एसटीटी अभ्यर्थियों का 2019 से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, 22 हो गई है और सबकी नौकरी की बात पक्की की गई थी, इसके बावजूद भी देख रहे हैं कैसे खदड़ खदड़ के लोगों को न्याय के लिए किया जा रहा है, न्याय नहीं दे रही है और बहुत अभद्र टिप्पणी मारो मारो। देखिए बताते हैं, नहीं मुख्यमंत्री आमतौर पर ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर या फिर इस ये वीआईपी एरिया है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं रहता है। सर हम लोग उग्र नहीं कर रहे हैं, जब परमिशन लेके आते हैं तो मिलने ही नहीं दिया जाता है ना, बीएसएबी ऑफिस में आप लोग को जाना चाहिए। जनता के पास जनता नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, वहाँ बोर्ड में नहीं सुनने वाला है, बोर्ड में सुनने वाला नहीं है तो किनके पास आए, राज्य के सरकार बन गए तो क्या हम लोग का अधिकार को छीन लीजिएगा, ये ताना सही रवैया, ये नहीं चलेगा, कहाँ जाए। देखिए ये जनता दरबार के बाहर आए हुए थे अभ्यर्थी, स्टेट अभ्यर्थी चाह रहा था वो कल, हाँ इसलिए ना मतलब आप तो कहाँ जाए, बेरोजगार नहीं चलेगा, अब हम लोग नहीं सहेंगे, तानाशाही अब नहीं चलेगा, हम लोग अब आर पार की लड़ाई होगा, सरकार है ना, सरकार को हम लोग गिरा के देंगे, है ना, तख्ता पलट देंगे हम लोग शिक्षा के, और शिक्षा कभी साधारण नहीं होते हैं, परलय और निर्माण उनके गोद में पलते हैं, तो हम लोग परलय नहीं तो निर्माण दोनों में सब एक होगा, परलय नहीं तो निर्माण दोनों में, परलय नहीं तो निर्माण दोनों में से एक होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। अब देखिए ये
मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन क्या कहें, यूं कहें कि मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। जनता दरबार लगा था और कोरोना काल के बाद पहली बार ये जनता दरबार लगा था। स्टेट अभ्यर्थी भी मिलने आए थे, पहले बीएसईबी ऑफिस गए, वहां पर जब अध्यक्ष से नहीं मिलने दिया गया तो फिर मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन इन्हें यहाँ भी नहीं मिलने दिया गया है। पुलिस के द्वारा इन्हें खदेड़ दिया गया है। देखिए पुलिस बल है पीछे पीछे और आगे आगे स्टेट अभ्यर्थी हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर और मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर आमतौर पर भीड़ इकट्ठा करना सही नहीं होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।